अगर आपने भारत के नक्शे को गौर से देखा होगा तो इस बात को जरूर ध्यान दिया होगा कि भारत के नक्शे में श्रीलंका को भी दर्शाया जाता है, मगर पाकिस्तान, चीन या फिर किसी पड़ोसी देश को क्यों नहीं दिखाया जाता है। बचपन से भारत का मानचित्र देखने और उसका चित्र बनाने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश के नक्शे में श्रीलंका का हिस्सा क्यों दर्शाया जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन जवाब ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, जबकि श्रीलंका का नक्शा भारत के नक्शे के अंदर आता है। श्रीलंका भारत के नक्शे में दर्शाए जाने पर आपत्ति क्यों नहीं करता? दूसरे देश इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते? तो चलिए आज हम इन सवालों के जवाब देते हैं। इसके पीछे एक अहम कारण है। भारत के नक्शे में श्रीलंका दिखाए जाने का अर्थ ये नहीं है कि भारत का उस पर कोई अधिकार है, या फिर दोनों देशों के बीच ऐसा कोई करार है। ऐसा करने के पीछे समुद्री कानून को बताया गया है। इन्हें ओशियन लॉ, लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। इस कानून को संयुक्त राष्ट्र ने बनाया है। साल 1956 में इस कानून को बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। साल 1958 में संयुक्त राष्ट्र ने इस सम्मेलन का रिजल्ट घोषित किया। इस सम्मेलन में समुद्र से जुड़ी सीमाओं को लेकर एकमत रखा गया था। साल 1982 तक इसके 3 सम्मेलन आयोजित किए गए। इसने समुद्र से जुड़े कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। चलिए ये जानते हैं आखिर क्या है लॉ ऑफ द सी। जब कानून बना तो यह तय हुआ कि किसी भी देश की आधार रेखा यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच आने वाले स्थान को भारत के नक्शे में दिखाया जाना चाहिए। अगर कोई देश समुद्र के किनारे बस गया है या बसा हुआ है या फिर उसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा है, तो ऐसी अवस्था में उस देश के नक्शे में देश की सीमा से आसपास का क्षेत्र भी नक्शे में दिखाया जाएगा। यही वजह है कि भारत के नक्शे में श्रीलंका को अहम स्थान मिला है, क्योंकि यह 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही आता है। भारत की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी में आने वाले सभी जगहों को नक्शे में दिखाया जाता है। आखिर कितना होता है 200 नॉटिकल माइल्स? अगर नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर के हिसाब से देखें तो एक नॉटिकल माइल्स में 1.824 किलोमीटर होते हैं। इस हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब है 370 किलोमीटर। ऐसे में भारत की सीमा से 370 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। इस वजह से दूसरा देश होने के बाद भी श्रीलंका को भारत के नक्शे में शामिल किया जाता है।